शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है मैं वो हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अभी पत्नी विहीन रहे। समग्र संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति। और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।